सिंदलबनी में आर्मी ग्राउंड में दशहरा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज थे। वहीं इस अवसर पर नौशेरा के विधायक रविंद्र रैना भी मौके पर मौजूद थे। इस अवसर पर सुरक्षा के भी भारी इंतजाम किए गए। जैसे ही रामलीला क्लब के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दृश्य में श्री राम ने रावण का वध किया, पूरा आर्मी ग्राउंड जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस बार सुंदरबनी में 100 फुट का रावण का पुतला मंगाया गया था। रावण के नाती थे, लेकिन जब रावण की मृत्यु हुई, उस रावण को अग्नि देने वाला कोई नहीं था। ये संदेश, ये विजयदशमी, ये दशहरे का कार्यक्रम हमको ये संदेश देता है कि पापी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पापी का अंत बुरा होता है और सज्जन शक्तियों की जीत होती है। आओ हम सब मिलकर भगवान श्री राम जी के द्वारा दिखाए रास्ते पर चले और अपने देश और अपने धर्म की सेवा करें, अपने भारत माता को और अपने सनातन पुरातन इस हिंदू धर्म को और मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। धर्म पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय, पुण्य की पाप पर विजय, ये दिवस हमको दर्शाता है। रावण कितना भी भयंकर, कितना बलशाली था, रावण की महल सोने की लंका थी, रावण जो था उसकी नाभि में अमृत था, और रावण ने काल देवता को अपनी चारपाई के साथ बांध के रखा था। लेकिन रावण अहंकारी था, दुराचारी था, पापी था, कुकर्मी था, साधु संतों को, सज्जनों को मारने वाला था, हत्यारा था, पापी था। इसलिए मानव के रूप में अवतार लेने वाले भगवान श्री राम जी ने उस रावण का वध कर दिया, जिसकी एक गर्दन कटती थी 10 गर्दनें हो जाती थी। इससे हमको एक ही संदेश मिलता है कि व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी रिसोर्सफुल क्यों ना हो, अगर व्यक्ति का चरित्र खराब है, अगर व्यक्ति पापी है, अधर्मी है, कुकर्मी है, उस व्यक्ति का बहुत बुरा अंत होता। 24 hours today news को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।